तो रियल एंड अपरेंट डेप्थ के अंदर हमने क्या सीखा कि अगर आपके पास ये कोई भी एक सरफेस है और नीचे वाटर है सपोज, और वाटर का मतलब ये कौन सा मीडियम है, ये एक डेंसर मीडियम है और ये एक रेयरर मीडियम है, ठीक है यहाँ तक। और मैं लिख सकता हूँ ये म्यू वाटर है और ये म्यू एयर है। हमने क्या किया था, हमने ये किया था कि अगर सपोज करो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, पर आपको वो यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, आपको थोड़ा सा ऊपर नज़र आएगा, और कहाँ पे नज़र आएगा, आपको यहाँ पे नज़र आएगा यहाँ पे, और मैं नॉर्मल शिफ्ट निकाली थी। तो मैंने आपको ये समझाया था इस पूरे डिस्टेंस को, एक्चुअल डिस्टेंस को क्या बोलते थे, रियल डेप्थ, और इस डिस्टेंस को क्या बोलते थे, एपरेंट डेप्थ। ऐसे किया हमने और एक फॉर्मूला किया कि रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ वाज म्यू, कौन सा, वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर। कोई डाउट इसमें, ये हमने ऑलरेडी किया, ठीक। तो इसके अंदर रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ की रेशियो म्यू हमने कर ली, ठीक है। अब इसमें ये अजम्पशन थी कि आपका जो ऑब्जर्वर था, देखने वाला, वो एयर में था, और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां पर है, वाटर में, ध्यान से, ऑब्जेक्ट वाटर में है, ऑब्जर्वर एयर में है। तो एयर से अगर कोई वाटर में देखेगा तो उसको वो ऑब्जेक्ट कहां नजर आएगा, थोड़ा सा ऊपर नजर आएगा, सही है यहां तक, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अब ऑब्जर्वर पानी में है और देख किसे रहा है, एयर में। जैसे इसके अंदर ये एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं, ऑब्जर्वर इसमें बर्ड था, बर्ड था, और ऑब्जेक्ट इसमें क्या थी, फिश थी। बर्ड फिश को देखेगी तो फिश ऊपर नजर आएगी, लेकिन उल्टा अगर फिश बर्ड को देखती है तो बर्ड उसको पास नजर नहीं आएगी, दूर नजर आएगी, ठीक है यहां तक। तो अगर मैं मीडियम चेंज कर दूं, तो जैसे मेरे इस क्वेश्चन में सपोज ये फिश है और ये बर्ड है, तो मान लो ये बर्ड है, बर्ड की हाइट क्या है, h, या h लेना है h ले लो, नहीं तो ऐसा भी कर सकते हो, आप इसको लिखो बर्ड जो है इसकी रियल डेप्थ है, और जो एपरेंट डेप्थ है, जो एपरेंट डेप्थ है वो कहां, थोड़ी सी क्या होगी इसमें, बड़ी होगी, कि बर्ड आपको यहां नजर आएगा, बर्ड आपको दूर, जो फिश है उसको दूर नजर आएगा, क्लियर है यहां तक। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को रिलेशन बताना है कि रियल और एपरेंट डेप्थ में अब क्या रिलेशन है, और ये क्या है वाटर और ये क्या है एयर। अब देखने वाला जो ऑब्जर्वर है वो कहां पर है, वो मीडियम में है, डेंसर में है, और जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है, रेयरर में है, उल्टा हो गया। तो आप एक काम करें, रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ, जो हमने पिछला फॉर्मूला किया था उसमें वाटर नीचे था एयर ऊपर है, तो आप उल्टा कर सकते हैं, एयर नीचे और वाटर ऊपर, उल्टा हो गया। इसका मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट, या अगर आपका ऑब्जेक्ट पानी में है और देखने वाला एयर में है, फिर तो यहां पर वाटर आएगा विद रिस्पेक्ट टू एयर। पर अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं जो हवा में है और पानी से देख रहे हैं, तो फिर ये इंडेक्स क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको, कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक। इसकी जगह कई बुक्स क्या करती हैं, एक नया शॉर्टकट निकालती हैं, और मैं भी वही शॉर्टकट यूज करूंगा, नहीं तो मेरे को ना इसमें कंफ्यूजन रहेगी कि इंडेक्स कौन सा कब यूज करना है, हम भूल सकते हैं, हमसे गलती भी हो सकती है। तो क्या मेथड है इसको समझाता हूं। तो जो सेकंड मेथड है सेम क्वेश्चन करने का, वो मेथड ये है कि आप इसमें रियल और एपरेंट डेप्थ में एक फॉर्मूला याद कर लें, सिंपल। क्या फॉर्मूला, कि रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ इज म्यू, बस मैंने म्यू लिख लिया, या कई बुक्स इसको म्यू रिलेटिव लिखती हैं, म्यू रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब है कि वाटर रिस्पेक्ट टू एयर, या एयर रिस्पेक्ट टू वाटर, कुछ भी, वो मैं अभी करके दिखाऊंगा कि वाटर कब लगाना है और एयर कब लगानी है। तो एपरेंट डेप्थ की जो वैल्यू है, दिस विल बी इक्वल टू रियल डेप्थ जो भी होगी डिवाइडेड बाय म्यू रिलेटिव। क्या ये स्टेप क्लियर है, वो कहता है ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा लो,
तो आज के बाद अगर ऑब्जेक्ट पानी में है या आपका ऑब्जेक्ट एयर में है, फॉर्मूला एक ही लगाएंगे, बस ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में ये म्यू रिलेटिव क्या चीज है? म्यू रिलेटिव है, मैं डिफाइन कर रहा हूं, म्यू रिलेटिव है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच ऑब्जेक्ट इज लाइंग, लिख सकते हो साथ साथ, इन विच ऑब्जेक्ट इज लाइंग डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच ऑब्जर्वर इज लाइंग। इसे डेफिनेशन को लिखना प्लीज, लगाना कैसे भी दिखाता हूं, ये लिख लो। इसको यूज कैसे करना है, इसको अब लगा के दिखाता हूं दो केस में, ठीक है? ये फॉर्मूला लिख लो एक बार, क्योंकि आज के लेक्चर में मैं यही फॉर्मूला यूज करूंगा। बस ये याद रखना, म्यू रिलेटिव के अंदर यहां पर जब म्यू रिलेटिव लगेगा ना, तो इसमें म्यू बाय म्यू की रेशियो होती है, बस ये म्यू उस मीडियम का है जहां पर ऑब्जेक्ट है, और ये म्यू उस मीडियम का है जहां पर ऑब्जर्वर है, बस ये याद करना है, तो क्वेश्चन गलती नहीं होगा, जिस मर्जी मीडियम का क्वेश्चन आ जाए। ठीक, देखो कैसे। फॉर एग्जाम्पल सेम क्वेश्चन है कि आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है जो कहां पर पड़ा हुआ है, वाटर में पड़ा हुआ है, और आप इसको कहां से देख रहे हैं, एयर से देख रहे हैं, तो ऑब्जर्वर कहां पर है, एयर में, और ऑब्जेक्ट कहां पर है, वाटर में। तो एक बात बताओ कि अगर इसमें इसकी रियल डेप्थ एच है, एच इसमें क्या है, इसकी रियल डेप्थ है, और मैं कहूं अपरेंट डेप्थ निकालनी है, आता तो आपको पहले वाला फॉर्मूला भी है, पर अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं कि अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू रिलेटिव, तो मैंने क्या बताया था कि जो म्यू रिलेटिव होता है वो क्या होता है, म्यू बाय म्यू। अब म्यू न्यूमिनेटर में क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किस मीडियम में है, वॉटर, तो यहां पर क्या आएगा, म्यू वॉटर, और ऑब्जर्वर किस मीडियम में है, एयर, तो यहां पर क्या आएगा, एयर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो अपरेंट डेप्थ विल बी इक्वल टू रियल डेप्थ एच बाय म्यू वाटर इज द आंसर। किया वही है, म्यू इज रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ। तो आप कहोगे फिर वो क्यों नहीं यूज कर रहे, क्योंकि कल को अगर मीडियम चेंज होते हैं तो उसमें वो इंडेक्स रिवर्स करने पड़ते हैं, इसमें कुछ करने नहीं पड़ते, इसमें बस यही देखना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट किस मीडियम में और ऑब्जर्वर किस मीडियम में, जैसे उल्टा करके दिखा देते हैं। ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक? जैसे सपोज आपको क्वेश्चन आ गया कि आपको ये एक सपोज बर्ड गिवन है, ठीक है, ये बर्ड है, और बर्ड का डिस्टेंस ये कितना है, एच है, जो बर्ड है उसका डिस्टेंस कितना है, एच है, और ये फिश है, एक फिश है। अब कौन देख रहा है, अब फिश देख रहा है, तो फिश कौन है, ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट कौन है, बर्ड, ऑब्जेक्ट कौन है, बर्ड, तो ये हाइट फिश को एच नजर नहीं आएगी, एच से ज्यादा नजर आएगी। अब क्या नजर आएगी, एक फॉर्मूला क्या करवाया था, अपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू रिलेटिव, बोलो म्यू रिलेटिव क्या होता था, म्यू बाय म्यू, ऑब्जेक्ट किस मीडियम में पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट बर्ड किस मीडियम में है, एयर, और फिश ऑब्जर्वर किस मीडियम में है, वाटर, तो ऑब्जेक्ट के लिए यहां पर एयर,
और ऑब्जर्वर के लिए यहां पर वाटर, समझ में आ रहा है यहां तक, उल्टा काम हो गया इसमें। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1, तो अपेरेंट डेप्थ विल बी इक्वल टू रियल डेप्थ इनटू म्यू वाटर। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? ठीक, इसमें याद नहीं करना पड़ता ना इंडेक्स क्या है, बस आप ये देख लो कि ऑब्जेक्ट किस मीडियम में और आपका जो ऑब्जर्वर है वो किस मीडियम में, बस उसको डिवाइड कर दो आंसर। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि कैसे यूज करना है, अच्छा मेथड है वैसे ये। ठीक, ऑनलाइन क्लियर है? यस यस सर। ठीक है, तो फिर एक चीज का आंसर दो, ये लो आपके पास, सपोज ये वाटर है, इसमें वाटर है और यहां पर एक मिरर है, ठीक, ये एक मिरर है, ठीक है, इसमें इमेज बन सकती है, बाद में बताऊंगा इसका क्या एप्लीकेशन है, फिलहाल नीचे मिरर है और यहां पर वाटर है। ये जो डिस्टेंस है जहां पर वाटर है, ये डिस्टेंस है h, ये डिस्टेंस है h, ठीक है, तो h डिस्टेंस तक वाटर है। यहां पर एक फिश है, फिश, और फिश का जो डिस्टेंस है वो वाटर के लेवल से आधे डिस्टेंस पे फिश है, यानी कि कितनी, h/2। तो अगर ये h/2 तो नीचे वाला डिस्टेंस भी क्या होगा, एग्जैक्टली h/2। क्लियर है यहां तक? ठीक है, यहां पर हवा में एक बर्ड है, बर्ड है और ये वाटर है और ये एयर है। जो बर्ड है उसका डिस्टेंस वाटर की सरफेस से सपोज h है, ये फिगर गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन है कि जो फिश है, फिश वॉन्ट्स टू सी बर्ड, ठीक है भाई, फिश बर्ड को देखना चाहती है, तो उसको कितने डिस्टेंस पे बर्ड नजर आएगी, कितने डिस्टेंस पे फिश को बर्ड नजर आएगी, ये क्वेश्चन है। रूल नंबर वन, जब ये फिश पानी के अंदर देखती है तो उसको एक्चुअल डिस्टेंस एक्चुअल ही नजर आते हैं। अगर मैं फिश हूं और ये पानी के अंदर हूं तो मेरे को अगर ये 1 मीटर पे है तो 1 मीटर पे ही नजर आ रहा है। प्रॉब्लम कब होती है, जब मीडियम चेंज होता है। तो फिश को ये हाइट एच गलत नजर आएगी, h/2 उसको h/2 ही नजर आएगा। तो इसका मतलब जो फिश है और बर्ड में एटलीस्ट ये वाला डिस्टेंस तो कितना रहने वाला है, पर ये चेंज हो जाएगा। अब फिश एच को एच नहीं देखेगी, क्या देखेगी, तो मेरे को क्या निकालनी पड़ेगी, एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ इज रियल डेप्थ अपॉन म्यू। अब म्यू कैसे लेते हैं, न्यूमिनेटर में ऑब्जेक्ट, डिनोमिनेटर में ऑब्जर्वर। अच्छा, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, बर्ड, क्योंकि किसको देख रहे हैं, बर्ड। ऑब्जर्वर कौन है, तो बर्ड किस मीडियम में है, एयर, और फिश वाटर। तो एपरेंट डेप्थ क्या बनेगी, ये 1 है, तो एच इंटू म्यू ऑफ वाटर। तो यानी कि अब आपको जो फिश है, बर्ड कितनी दूरी पे दिखेगी, एच इंटू म्यू ऑफ आंसर। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? h/2 में कोई चेंज नहीं है, ऊपर के डिस्टेंस में देयर विल बी चेंज। ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। ठीक है, h प्लस बनेंगे। देखो फिश और ये दूरी तो h/2 है ना, h/2 है ना, ये h उसको गलत नजर आएगा, ये h की जगह वो देखेगी, तो h/2 में वो ऐड करेंगे ना, h को करेंगे। ठीक है, ओके, अब इस चीज का आंसर दो। चलो ये खत्म हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सपोज, लेट अस सपोज ये एक मिरर है ना, मिरर तो गिवन ही है,
ये जो फिश है ये बर्ड की इमेज मिरर में देखना चाहती है, जो बर्ड है नीचे मिरर है भाई, मिरर में अपनी शक्ल देख सकता है बर्ड, तो बर्ड उसको मिरर के अंदर भी दिख रही है, तो बर्ड एक्चुअल बर्ड देखता है तो इतनी दूरी पे है, देख लिया उसने, पर अगर वो बर्ड की इमेज देखना चाहती है, अब फिश इससे नहीं देखना चाहती, फिश इसकी इमेज को देखना चाहती है, तो इमेज कितनी दूरी पे नजर आएगी ये क्वेश्चन है, इमेज कितनी दूरी पे नजर आएगी यानी कि यहां से लेके यहां तक की दूरी आपको बतानी है कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया, पहले एक्चुअल बर्ड को देख रही है अब उसकी इमेज को देख रही है। अब जो प्लेन मिरर्स होते हैं ना, जो मिरर्स होते हैं उनका क्या रूल होता है, मिरर्स का ये रूल है, देखो जो मिरर्स हैं उनका ये रूल है कि अगर ये मिरर है जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे इमेज है, सुना हुआ है, ऑब्जेक्ट की दूरी और इमेज की दूरी बराबर है, लेकिन विद अ कंडीशन, अगर मीडियम चेंज नहीं है, मीडियम चेंज है फिर थोड़ा रूल लगेगा, मीडियम चेंज है तो रिफ्रैक्शन लग जाएगी, ठीक है यहाँ तक। अब एक काम करते हैं हम, फिश से बाद में पूछते हैं, आप पहले मिरर से पूछो, मिरर से पूछो कि तू इमेज कहाँ बनाएगा फिश की। अब मिरर कहता है क्योंकि मैं पानी में हूं, सोचो मिरर देख सकता, तो मिरर अगर देख सकता और किसको देखना चाहता है, बर्ड को, तो मिरर ये कहता है कि देखो अगर मैं बर्ड को देखता हूं तो मुझे ये वाला डिस्टेंस तो एज इट इज एच ही नजर आता है, क्योंकि मैं पानी में हूं और पानी की डिस्टेंस मेरे को एक्चुअल ही नजर आते हैं एच, उसमें तो कोई चेंज नहीं है, ठीक है। लेकिन जब मैं इस एच को देखता हूं ना तो ये हवा में चला गया, मीडियम क्या हो गया इसका चेंज, तो ये एच मुझे अलग नजर आएगा, ये बात समझते हो। ये हम ऑब्जर्वर किसे मान रहे हैं, अभी फिश को नहीं मान रहे, मिरर को मान रहे हैं, ये मिरर के हिसाब से आंसर आ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू मिरर चल रहा है। तो अगर मिरर किसको देखता है, बर्ड को देखता है, तो मिरर ये कहता है कि ये दूरी तो मेरे को एच ही नजर आती है, पर ये डिस्टेंस मुझे अलग नजर आएगा, तो मुझे इसमें अपेरेंट डेप्थ निकालनी पड़ेगी जो कि रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू। अब मिरर कौन है इसमें, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कहां पर है, वाटर में, ऑब्जेक्ट कौन है, बर्ड, किसमें, एयर में, तो एज यूजुअल वही आंसर आएगा, एच इंटू कितना, ये आंसर आएगा। तो मिरर क्या कहता है कि देखो मैं इसकी इमेज नीचे बनाऊंगा, मैं नीचे इमेज बनाऊंगा, क्योंकि मेरा रूल तो वही है कि जितनी दूरी पे मेरे को बर्ड नजर आ रही है उतनी दूरी पे इमेज बनेगी, तो बर्ड मिरर को कितनी दूरी पे नजर आ रही है, एच प्लस, एच तो आ ही रही है, प्लस ये एच की जगह क्या आएगा, एच इंटू म्यू ऑफ वाटर, तो वो इमेज में कितनी दूरी पे बनाएगा, इतनी दूरी पे बनाएगा जितने दूरी पे उसको वो बर्ड नजर आ रही है। क्या ये रूल क्लियर है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये स्टेप? यस सर। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना, फिर देखो क्वेश्चन तो ये है कि फिश ने देखना है, फिश को बाद में दिखाते हैं, पहले मिरर की इमेज बना लेते हैं। तो मिरर अगर इस बर्ड को देखता है तो एच तो उसको एच ही नजर आता है, क्योंकि मिरर भी पानी में है और एच भी पानी में ही है, तो पानी का डिस्टेंस तो एच नजर आना ही आना है, लेकिन ये डिस्टेंस हवा में चला गया तो इसलिए इसका अपेरेंट डेप्थ मुझे निकालना पड़ा, तो एच की जगह एच इंटू म्यू वाटर, तो मैंने ऐड कर दिया, तो इतनी दूरी पे इमेज मिरर बनाएगा। अब बात करते हैं बर्ड से, भाई बर्ड बता तेरे को अब ये डिस्टेंस कितना नजर आ रहा है। बर्ड कहते हैं देखो मेरे को यहां भी पानी नजर आ रहा है और मिरर ने तो अपना क्वेश्चन सॉल्व कर ही दिया, तो अब बर्ड क्या कहती है कि मेरे को कितनी दूरी पे नजर आएगा, एच बाई टू प्लस दिस डिस्टेंस। तो अगर बर्ड ने इस फिश को देखना है, ओ ये फिश की जगह क्या आना चाहिए था, नहीं ये आना चाहिए था बर्ड, बर्ड फिश की जगह बर्ड, सॉरी, तो बर्ड की इमेज बन रही है ना, फिश की नहीं बन रही। तो मैं कह रहा हूं कि जो फिश ने इस बर्ड की इमेज को देखना है तो ये कितना होगा, एच बाई टू, एच बाई टू, तो उसको एच बाई टू ही नजर आएगा, क्योंकि पानी का डिस्टेंस तो पानी जितना ही नजर आता है, और ये डिस्टेंस हम मिरर से निकाल चुके हैं कि इमेज की दूरी कितनी है, एच प्लस एच इंटू म्यू डब्ल्यू, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, एच बाई टू प्लस एच प्लस एच इंटू म्यू ऑफ डब्ल्यू। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कौन सा, ये वाला, पहले हमने मिरर से इमेज बनवाई, मिरर अगर देख सकता है इस बर्ड को,
तो मिरर क्या करेगा, ये डिस्टेंस को तो एच ही मेजर करेगा, पर इसको उतना मेजर करेगा, तो टोटल डिस्टेंस मिरर के लिए उस बर्ड का क्या होगा, एच प्लस एच इंटू म्यू डब्ल्यू। तो उतनी दूर पे उसने इमेज बना दी, क्योंकि मिरर का रूल है जितना उसको दिखाई दे रहा है उतनी वो इमेज बना देता है, तो इमेज बन गई। पर देखना किसने था एक्चुअल में, फिश ने, तो फिश का डिस्टेंस एच बाई टू में कोई चेंज नहीं, और ये हम निकाल चुके हैं, तो टोटल दूरी क्या होगी, एच बाई टू प्लस दिस डिस्टेंस। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो फिर प्रैक्टिस करते हैं एक बार। जैसे सपोज ये शीट में लिखा होगा आपको, वैसे जो मैं दूंगा कोई दिक्कत नहीं है। देखो सपोज क्वेश्चन सेम है, ओके, क्वेश्चन सेम है, इस बार बर्ड टू सी फिश, ठीक है भाई, इस बार बर्ड फिश को देखना चाहती है। तो पहला क्वेश्चन, अगर बर्ड फिश को देखना चाहती है ओरिजिनल क्वेश्चन में, तो बताओ उसको कितनी दूरी पे दिखाई देगी, बर्ड जब हवा में देखेगी तो उसको दूरी h तो h ही नजर आएगी, एयर का डिस्टेंस तो एयर जितना ही नजर आएगा, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, जब बर्ड पानी के अंदर डिस्टेंस h बाई टू देखेगी तो h बाई टू नजर नहीं आएगा, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्ट कौन है, फिश, ऑब्जर्वर कौन है, बर्ड। तो इस बार ये जो h बाई टू है, हम अपेरेंट डेप्थ निकाल लेते हैं, h बाई टू कितने डिस्टेंस पे नजर आएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है, एयर में, एयर में हुआ ना, नहीं वाटर में, ओके, तो जो ऑब्जेक्ट है वो वाटर में और जो ऑब्जर्वर है वो एयर में, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वन, तो अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू एच बाय टू, ये आ गया। ठीक है, तो मतलब कि जो फिश है उसको एच बाय टू, तो एच बाय टू ही, जो बर्ड है उसको एच तो एच ही नजर आएगा, लेकिन एच बाय टू उसको चेंज होके नजर आएगा, और वो हमने चेंज निकाल लिया। तो अब टोटल डिस्टेंस बर्ड फिश को जब देखेगा तो एच प्लस एच टू म्यू वाटर, ये आंसर है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक, तो आपका जो इस बार ऑब्जर्वर बर्ड है, बर्ड को एच तो एच ही नजर आएगा, लेकिन ये डिस्टेंस उसको चेंज होके नजर आएगा, कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसमें कि सपोज करो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो बर्ड है वो फिश को नहीं देखना चाहता, बर्ड फिश की इमेज को देखना चाहता है, अब क्या दूरी पे इमेज नजर आएगी फिश की, एक्चुअल फिश को नहीं देखना, फिश की इमेज देखना चाहता है, तो फिश की इमेज मिरर में क्या बनेगी, ये दूरी बताओ क्या होगी, अब ये क्वेश्चन है, मिरर से पूछना पड़ेगा पहले, मिरर पहले इमेज बना के देगा ना, फिर बर्ड से पूछना पड़ेगा, पहले मिरर आएगा फिर बर्ड आएगा, तो मिरर की इमेज बताओ कहां बनेगी, फिर आगे क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इस बार बर्ड फिश को नहीं देखना चाहता, फिश की इमेज जो मिरर में बनेगी उसको देखना चाहता है, दूरी क्या होगी, तो मैंने हिंट दिया पहले आप मिरर से पूछो कि तो इमेज कहां बनाएगा फिश की, फिर बर्ड से पूछना तेरा आंसर क्या होगा।
देखो आप मुझे पहले ये बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर ये बताओ, इधर देखो ये बताओ, मिरर इस फिश की इमेज यहां बनाएगा। अब मिरर कहता है कि फिश पानी में, और यहां भी पानी नजर आएगा मिरर को, क्योंकि पानी की इमेज तो पानी बनेगी, तो फिश उसको एग्जैक्टली कितनी दूरी पे नजर आएगी, एट अ डिस्टेंस ऑफ अगेन एच बाई टू का एच बाई टू। क्यों? क्योंकि मीडियम एयर आया ही नहीं, क्योंकि इमेज किसकी बनानी है, फिश की, तो पानी था, पानी से एयर का प्रॉब्लम आया ही नहीं, पानी की इमेज पानी में बनानी है, तो डिस्टेंस विल रिमेन सेम। पहला स्टेप क्लियर है। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। ये भी वाटर है और ये भी नीचे वाटर है, क्योंकि वाटर की इमेज वाटर में बनेगी। अब देखना किसने है, बर्ड ने। तो बर्ड ने जब ये डिस्टेंस देखा, ये तो उसको कोई चेंज नजर आएगा ही नहीं, तो ये डिस्टेंस कितना है, एच का एच ही आएगा। फिर बर्ड को प्रॉब्लम कब आएगी, जब पानी स्टार्ट हो गया, यहां से लेके यहां तक पानी ही पानी है, ये भी और ये भी, तो टोटल हाइट कितनी है, ये कितनी है h, और ये कितना है, तो टोटल कितना हो गया 3 h by 2, तो ये कितना हो गया 3 यहां से लेके यहां तक। क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो अब बर्ड क्या करेगी, एपरेंट डेप्थ निकालेगी, 3 h by 2 डिवाइडेड बाय म्यू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, फिश, वाटर और एयर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1, तो 3h by 2 into mu water, तो यहां पर ऐड कर दें 3h by 2 into mu water is the final answer।